सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सच्ची घटना है ये। एक भगवान के कहते हैं ना, भगवान पर अटूट भरोसा और विश्वास होना चाहिए। जो कर रहे मेरे परमात्मा अच्छा कर रहे हैं। एक कन्हैया भगत थे और भगवान ने उनको खूब मालामाल कर रखा है कि पति पत्नी बच्चे सब भजन कर रहे हैं, पूजन करने वाले। एक दिन रात्रि के 12 बजे कुछ चोर उनके घर में प्रवेश करते हैं और महाराज कहा कि आप तिजोरियों की चाबी दे दो। कन्हैया भगत ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? दौलत ना, चाबी उठा के दे दिया, चोरी हो गई, चोर चोरी करके चले गए। गांव वालों को पता चला, पुलिस आई, महाराज कन्हैया भगत के यहाँ चोरी हो गई है। पुलिस पूछताछ करने लगी, कन्हैया भगत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, किसने कहा हमारे घर चोरी हुई है? मेरे प्रभु को ऐसे धन की आवश्यकता पड़ी, किसी भक्त की सहायता करनी थी तो मेरे घर में आए, अपने भक्तों के लिए धन लेकर के गए, उन्हीं का तो था, वो चोर बन के आए और लेके चले गए। हमारे घर में कोई चोरी वोरी नहीं हुई है, हमारे ठाकुर जी तो हमारे पास हैं, कैसी चोरी? जाइए आप सभी यहाँ से। पब्लिक के बीच में, सभा में, जैसे अभी हम कुछ बात कह दें, आप सभी बैठे हुए हो, तो ऐसे सभा में कन्हैया भगत ने कहा, मेरे भगवान को किसी भक्त की सहायता करने के लिए रात्रि के 12 बजे धन की आवश्यकता पड़ी तो प्रभु आए, लेके चले गए, उन्होंने चोरी नहीं की। अब भगवान ने सोचा, अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगा तो मेरी बड़ी इंसल्ट होगी, भगवान भी अपने भक्तों से डरते हैं। भगवान ने रात्रि में दूसरे दिन उन चोरों को स्वप्न दिखाया कि जिस धन को तुम लेकर के आए हो, जैसे वैसे उस धन को वहीं रख करके आ जाओ, नहीं मैं तुम्हारे कुल का समूल विनाश कर दूंगा। सारे चोर रात में जगे और डर गए, सब धन ले लेके आए और महाराज कन्हैया भगत का धन रखा, चरणों में गिरे, प्रणाम किया कि महाराज आप धन्य हैं, आपकी भक्ति धन्य है, आज तो आपकी कृपा से भगवान ने स्वप्न में मुझे दर्शन दे दिया, अब मुझे पता चला कि भगवान इस धरती पर है।